लो जी, जिस बात का मैंने आप लोगों को अंदेशा बताया था वो हो गया है। इजाज खान ने करारा जवाब दे दिया है कामयाब पंजाबी को। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फेवरेट चैनल में, जिसका नाम है फीफा फूज, बिग बॉस बोल तो फीफा फूज। सबसे पहले आपके जहन में यही ख्याल आया होगा कि इजाज खान ने कैसे जवाब दे दिया, राहुल बोध पगला वगला गए हो का? नहीं दोस्तों, यहां पर आपको मैं इस प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए, दिख रहा है ओके, या दिस इज इट। इजाज खान ने कामयाब पंजाबी को जवाब दे दिया है दोस्तों, और बोल दिया है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो एक हैशटैग चल रहा है, हैशटैग बीबी ट्रेंड मास्टर इजाज खान, ठीक है, इस हैशटैग का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कामयाब पंजाबी ने एक ट्वीट किया था, कल के दिन एक फोटो रिलीज हुई थी जहां पर कविता कौशिक एकदम मस्त पोज दे रही है दोस्तों इजाज खान के साथ, जहां पर आई लव यू लिखा है इजाज खान ने नीचे कमेंट सेक्शन में, मेरी दोस्त आई लव यू, और कविता ने उनको मोंकी शब्द से रिप्रेजेंट किया, वो जो एक निकनेम देते ना प्यारा सा। तो अब दोस्तों यहां पर उस फोटो के बाद बवाल मच गया था सोशल मीडिया पे, ये बात सामने आई थी कि अरे भाई देखो इजाज खान तो दोस्त है कविता का, कविता इज टेलिंग लाई, कविता खाली यूज कर रही है, ये हो रहा है फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें हो रही है। आपको बता दूं तो कामयाब पंजाबी उतर पड़ी थी इस दंगल में, कामयाब पंजाबी जी कहने लगी थी वैसे मेरी और आपकी भी पिक है साथ में, आर वी फ्रेंड्स, वी ऑल नो ईच अदर, बट दोस्त सारे नहीं होते हैं, पिक प्रूफ नथिंग। फिर उसके बाद उन्होंने कविता कौशिक को सपोर्ट किया था। हम सबको बताया कि कामयाब पंजाबी के ही कहने पर जो है कविता कौशिक घर के अंदर गई दोस्तों, और उन्होंने मोटिवेट भी किया था, और प्लस कामयाब पंजाबी जमकर सपोर्ट कर रही है कविता कौशिक को। अब इस पर दोस्तों इजाज खान की पीआर टीम ने, यू नो, इजाज खान के पर्सनल ब्लू टिक अकाउंट से, आई वांट टू शो यू, दिस इज द ब्लू टिक अकाउंट ऑफ इजाज खान, उनसे उन्होंने ट्वीट कर दिया और कहा है, दोस्ती दिल से मानते हैं, पिक्चर स्टोरीज से नहीं, ठीक है। यहां पर वो ट्वीट करते हैं, बेसिकली इजाज खान की पीआर टीम है, और वो कहते हैं कि पिक्चर प्रूफ नथिंग, यू आर राइट, इजाज खान ने कविता जी को दोस्त दिल से माना है। ये जो दोस्ती की परिभाषा चेंज हो रही है ना दोस्तों घर में, तो ये परिभाषा एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कविता जी की तरफ से ही हो रही है, क्योंकि कविता कौशिक ने ही बोला था, जो कि अभिनव रुबीना ने ऑलरेडी डिकोड कर दिया था कि हम दोनों के बीच में, यानी कि इजाज और कविता के बीच में झगड़ा होकर रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि कविता ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होकर आई है, उन्हें पता है इजाज खान इज सो मच वल्नरेबल आफ्टर दैट इंसिडेंट कि उन्हें इजी टारगेट किया जा सकता है। सो दोस्तों सारा भांडा खुल चुका है, मेरे पास प्रूफ है, एंड कामयाब जी को करारा जवाब दिया है इजाज खान ने। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि कविता या फिर इजाज कौन सही कौन गलत, मुझे जरूर बताइएगा। और कामयाब जी का इस तरीके से सपोर्ट काव्या को, सॉरी कविता को, उसके बारे में आपको क्या है कहना, सारी बातें बोल दीजिए। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा यार, क्योंकि मैं चैनल में नया हूं तो आपका सपोर्ट चाहता हूं। सो कमेंट सेक्शन में जाके सपोर्ट अवश्य करें। थैंक यू।